इस बार किसकी है हरियाणा में तूफानी लहर, लेकिन हरियाणा में सत्ता हासिल करने के लिए सबसे बड़े महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में राजनीति पार्टियां आपस में एक दूसरे पर प्रहार करती नजर आ रही हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगी, यमुनानगर विधानसभा के गांव मुकारमपुर में मैं पहुंची हूं, जहां पर आज कांग्रेस प्रत्याशी रमन त्यागी के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है, लेकिन प्रोग्राम आगे की तरफ है। यहाँ पर गाँव के कुछ लोग हैं जो मेरे साथ लाइव जुड़ने जा रहे हैं, आम जनता है, देखते हैं क्या इस बार हरियाणा की राजनीति में आम जनता बदलाव देखना चाहती है। अगर बदलाव देखना चाहती है तो अपना कीमती वोट देकर हरियाणा में किस पार्टी के सर पर ये जीत का सेहरा सजाने वाली है, आम जनता की क्या राय है, क्या रुझान है, वो सारी बातें मैं आज अपने चैनल पर इन लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरी अपील जरूर रहेगी आप सबसे, आप इस खबर को शेयर करें। सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं और उसके बाद इनसे कुछ अहम क्वेश्चन है जिसका हम उत्तर जानना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक है जी। मोहम्मद रफीक, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल की। किस तरह से आपने बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल को देखा है? मैंने तो कुछ देखा नहीं जी उनका, कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी हमारे गाँव में कोई काम नहीं हुआ और हमें तो नुकसान ही दिया इस पार्टी ने और कोई फायदा नहीं हुआ इस पार्टी। कोई तो सिंगल ऐसा काम होगा जिसकी वजह से उनकी थोड़ी शिफ्ट की जाए? कोई भी ऐसा, हम किसी चीज से उस पर भरोसेमंद नहीं है। जिस तरह अगर हम 10 में से एक नंबर भी देते, कोई एक नंबर भी नहीं दे सकते उसको। लेकिन हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार अपना इतिहास दोहराने का दावा जता रही है। हरियाणा के अंदर तीसरी बार आ नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बना रही है हरियाणा के अंदर और भूपेंद्र हुड्डा के अगुवाई में तीसरी मर्तबा। मोहम्मद जी, कांग्रेस ही क्यों, कोई और पार्टी क्यों नहीं? नहीं, और सिर्फ कांग्रेस ही एक मजदूर की और किसान की एक तेजी पार्टी, सिर्फ कांग्रेस ही है और सब पार्टी देख ली हमने, क्योंकि सिर्फ हरियाणा के अंदर सिर्फ दो ही पार्टियों का मुकाबला है, बीजेपी का और कांग्रेस का। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जगाधरी में आए थे और वहाँ पर जगाधरी वालों को, यमुनानगर वालों को बहुत बड़ी बड़ी गारंटीज देने के वादे करके गए हैं, तो नहीं चाहते हैं कि दिल्ली और पंजाब में जिस तरह की जनता को फैसिलिटी मिल रही है वैसी हरियाणा में भी मिलनी चाहिए? जितनी परेशान पंजाब की जनता और दिल्ली की है, इतनी कहीं की नहीं है जी। आपके रिश्तेदार हैं वहाँ? सब पता है, मेरे रिश्तेदार भी है पंजाब के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी गए हुए, लेकिन जितनी परेशान दुनिया पब्लिक दिल्ली की और पंजाब की आना कहीं की नहीं है जी। चलिए सर, क्या नाम है आपका? आरिफ। आरिफ, आरिफ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनावी घड़ी बिल्कुल नजदीक है, एक हफ्ते का समय रह चुका है, ऐसे में इस बार किसके सर पर जीत का सेहरा सजाने का इरादा बना रही है सरकार? हरियाणा में कांग्रेस की बनने जा रही है मैडम, और 60 से 65 सीटें हरियाणा में आ रही है, कांग्रेस सरकार की आ रही है, इस बार कांग्रेस ही सरकार बनाएंगे हरियाणा में। तूफानी लहर है तभी से कांग्रेस बोल रही है या वैसे ही? मतलब तूफानी लहर है जी, बहुत तूफानी लहर है। वह तो मारे तो नेता 70-75 कह रहे हैं, पर 60-65 आई जाएंगी हमारी 60-65 के बीच। क्या नाम है सर आपका? मेरा पंकज नाम है। पंकज, पंकज क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी तीसरी बार अपने पार्टी के नाम का डंका बजाने का लगातार? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको? ग्राउंड पे भी नहीं है और ना पब्लिक में है। आप मार्केट में जाएं, आप बाजार में जाएं, आप किसी गली में जाएं इस गाँव में, मैं पिछले 3 घंटे से इस गाँव में घूम रहा हूँ और लोगों से पूछ रहा हूँ कि बीजेपी ने कुछ काम किया क्या, कह रहे नहीं। मैं कहा फिर आपने 2009 में एक और विधायक बनाया था, उसने कुछ काम किया था? कहते नहीं, उस दौरा तो हम जावा थे, वो यही कहा था कि हमारी तो सरकार नहीं, मैं कहा थे तारे काम कर दूँ। तो मैं तो लोगों से यही अपील करूँगा कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और 2019 में नारा दिया था 75 पार 75 पार, 38 पे रह गए थे, रह गए थे ना 38 पे, मेरी बात से सहमत हो गए, 38 पे रह गए थे, इस बार तो सिंगल डिजिट में रहेंगे। केंद्र में अभी भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही शासन है, ऐसे में क्या लगता है हरियाणा के अंदर बीजेपी को मार? मैडम वो भी बता देता हूँ, मार्च में वो भी जाएंगे। और केंद्र की बात छोड़ो, आप हरियाणा का चुनाव है, प्रधानमंत्री को प्रचार करने क्यों आना पड़ रहा है? केंद्रीय गृह मंत्री को प्रचार करने क्यों आना पड़ रहा है? केंद्रीय गृह मंत्री प्रचार करने नहीं आया था, वो यहाँ ये देखने आए थे, उसने पेपर मिल खरीदी, यमुनानगर में एक पेपर मिल है, वो पेपर मिल खरीदी, उसने प्लाट काटने हैं, 200 एकड़ में है, उसने प्लाट काटने हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी देखने आया था। जहाँ आया था वहाँ तो सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी थी, आप भी पत्रकार हैं, आप गए होंगे वहाँ। चलिए, बीजेपी तो प्रचार करने के लिए आ रही है, लेकिन अगर कांग्रेस की हरियाणा के अंदर आप लोगों का मानना है अगर तूफानी लहर है, तो ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी क्यों जगह जगह वोट की अपील जा रहे हैं? क्यों ना दिखाएं जनता को, जनता हम एक पहली बात बता देता हूँ कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, चुनाव लड़ रही है जनता, तानाशाह सरकार के अंगेश, और
क्रिमिनलों के अंगेंस्ट, जो क्रिमिनल पार्टियां हैं जो अपना अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। 4 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें एक परिवार के 10 कैंडिडेट, जो कि हमारी हरियाणा में 10 लोकसभाएं हैं, 9 कैंडिडेट लड़ रहे थे। बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बदलाव हो गया है मैडम, सिर्फ इंतजार है घोषणा का। 8 तारीख को घोषणा होनी बाकी है और हमारी सरकार बनने जा रही है। सभी को 25 लाख रुपए का, जितने लोग हैं सबको 25 लाख रुपए का। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहम्मद समसाद। जी जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं क्या कहना चाहूँगा कि अब की बार कांग्रेस सरकार बहुत ही बहमत वोटों से बढ़कर आ रही है, और दूसरी बात नफरत की दुकानों पे मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है। ऐसा ना हो कि कुछ उल्टा ही हो जाए, कोई और ही पार्टी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी। कांग्रेस ही क्यों सर? कांग्रेस को जो है ना सभी धर्मों को साथ में लेकर चल रही है, और एक हिंदू मुसलमान जो दुनिया के अंदर जिले के अंदर जो फैला है उसको कंट्रोल करेगी। बीजेपी से पहले कांग्रेस ने देश में 56 साल राज किया है, तब आप लोग संतुष्ट थे उनके कार्य? हाँ जी, आज संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि 10 से 10 साल के अंदर बीजेपी ने हिंदू मुसलमान ही किया है और कोई कार्य नहीं किया है। बीजेपी को भी तो आप लोगों ने कीमती वोट देकर ही दिया, दे के तो हम पछताए हैं। हाँ जी, इस बार किसके नाम का डंका बजने वाला है? अब के तो कांग्रेस का है जी, कांग्रेस का। ये तो मैडम अभी गृह मंत्री जगह हरियाणा मंडी के अंदर आए थे, वो इस बात को खुद स्वीकार कर चुके हैं कि जहाँ 4 विधायक थे, जगाधरी, यमुनानगर, रादौर और सटोरा, उन्होंने खुद कहा इस बात को कि 10-15 हजार से इलेक्शन नहीं जीता जाता, क्योंकि 4 विधायकों के पे कितने हुआ, जबकि वहाँ कुल 2000 आदमी थे। किस प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं, किसके शान में प्रोग्राम रखा अभी है? रमन त्यागी जी हमारे बीच पहुँचने वाले हैं। यमुनानगर से तो दिलबाग है, घनश्याम दास अरोड़ा है, वो तो वो रमन त्यागी की वोट कट हुआ है जिनको कोई फायदा नहीं, क्योंकि 1-2 सीटें उनकी बात में अगर उनके पास काम के लिए जाएंगे तो ये कहा कि मेरी सरकार नहीं है। अच्छा, तो मान लीजिए अब सर्वे के अंदर भी आज का सट्टा बजा के जो सर्वे है 65 सीटें कांग्रेस की बहुमत के साथ सरकार बने, कांग्रेस पार्टी से सहमत है कि बिल्कुल त्यागी को मैदान में उतारा है, इसीलिए हम बिल्कुल सहमत है रमन त्यागी जी से, कांग्रेस से भी। एक लास्ट क्वेश्चन, रमन त्यागी अगर सत्ता के सिंहासन पर बैठ जाते हैं, यमुनानगर की सीट अगर उनके हाथ में आ जाती है, ऐसे में आज वादे तो बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं आपसे, बनने से पहले तो सभी करते हैं वादे, विश्वास के साथ कैसे हमने कांग्रेस सर वादे पूरे होंगे? हमने मैडम कांग्रेस सरकार देखी हुई है पहले भी, मजदूर के हक में भी और किसान के हक में भी, क्योंकि जितना किसान कांग्रेस के राज में खुश था, इतना जितना बुरा हाल बीजेपी ने किसान करा ना, किसी को उसे विरोध नहीं करा। चलिए ऐसे में देख सकते हैं कुछ ही समय में यमुनानगर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रमन त्यागी मुकारमपुर गांव में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचने वाले हैं, और इस समय यहां की जो जनता है, एक बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग, उन्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए, कांग्रेस की नीतियों को जानने के लिए यहाँ पर बैठा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं भैया, हाँ भैया आप बताएं, रमन त्यागी यहाँ पहुँचने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? रमन त्यागी जी आ रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे, दिल से धन्यवाद करेंगे उनका, उनके आने पर। हम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। हाँ जी, चलो गांव के बड़े बुजुर्ग भी हैं, आप बता दो किसे समर्थन दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो? हाँ जी, कांग्रेस का समर्थन है, कांग्रेस का समर्थन है। आप भी एक युवा जी, कांग्रेस की नहीं, आप एक युवा है जी, बीजेपी ने युवाओं के लिए कुछ भी नहीं कुछ किया, नहीं किया जी। तो कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस ने वादा किया 2 लाख, वादे तो बीजेपी ने भी किए थे, वो कुछ नहीं है। तो हो सकता है कांग्रेस के वादे भी ना पूरे हो? नहीं जी, पूरे हो यार, विश्वास है आपको? बिल्कुल। चलिए तो मेरी आप लोगों से अपील है, इस खबर को शेयर करें, जैसे ही रमन त्यागी यहाँ पर आएंगे, आगे की पूरी खबर मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लग चुका है, पूरा का पूरा गाँव यहाँ पर रमन त्यागी के समर्थन में उतरता नजर आ रहा है। ऐसे में मेरी आप लोगों से अपील है, शेयर करें, और ऐसे में आप देख सकते हैं गाँव के ये मौजूद लोग हैं जो यहाँ पर गांव के अंदर की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार मैं इन लोगों से भी जानूंगी कि ये कहाँ से आए हैं और इस बार किसे अपना समर्थन दे रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? चंद्रभान, एक्स चेयरमैन, नया गाँव। कहाँ से आए हैं? नए गाँव से। अच्छा सर, यहाँ पर किस प्रत्याशी के लिए कार्यक्रम रखा गया है? रमन त्यागी जी का प्रोग्राम है, गाँव में तो एक तरफा माहौल है रमन त्यागी जी का, और यहाँ से गांवों से जो है ना हम 60+ वोट दो, % वोट दबा के ही रमन त्यागी जी को कामयाब कराएंगे। गांव में एक तरफा माहौल बता, एक तरफा लेकिन, शहर में किस तरह का? शहर में भी आप 50% में हम हैं, 50 में दोनों कैंडिडेट हैं। कितना जोर लगाना पड़ेगा इस बार उन्हें? जोर लगाने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप जुड़ रहे हैं साथ। आप क्या कहना चाहेंगे सर रमन त्यागी प्रत्याशी के लिए? हाँ जी ठीक है, प्रोग्राम रमन त्यागी का जी, आशीर्वाद दे दिया आपने उन्हें, कहाँ तक
कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का इरादा बनाया है दूर तक जी जी। लेकिन यमुनानगर में तो दिलबाग और घनश्याम दास अरोड़ा भी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, कम है बहुत ज्यादा। टक्कर तो सर सबकी बराबर में लग रही है। टक्कर तो जो कैंडिडेट खड़े थे लक्ष्मण दुल्ला डे जी वो और एक नंबर एक पर आगे जी। तो वैसे में आप देख सकते हैं ये गांव के अजीज लोग हैं जो नया गांव से नया गांव से यहां पर मुकारमपुर गांव में इस जनसभा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मेरी अपील रहेगी आप सभी से इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।